बड़े चालाक होते हैं इस दौर के कातिल, कत्ल करके पूछता है कफन किसका। चार रामायण 18 पुराण, आपके पास गीता है, किसी में अगर एक शब्द कहीं हिंदू की चर्चा हो तो मुझे बता दीजिए। आपने शूद्र कहा है, आपने पिछड़ा कहा है, आपने यादव कहा है, आपने महार कहा है, आपने चमार कहा है, आपने लोहार कहा है, तो आपके बाप दादा की दी हुई विरासत को तो हम कह रहे हैं। ये हिंदुस्तान कैसे हो सकता है? ये भारत है, ये आर्यावर्त है, ये इंडिया है। स्कूल में पढ़ने से किसने रोका? कुआं से पानी पीने के लिए किसने रोका? स्कूल में पढ़ने से क्यों रोका? छुआछूत अस्पृश्यता किसने किया? अगर मेरा बाप दादा किया है तो मुझे फांसी पर लटका दो। बड़ी मोटी किताब बन गई है, एक पैक पन्ना निकालकर उनकी छट्ठी के दूध याद करा दो। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, एक जमींदारी में बैठकर हमें शोषण कर रहा था और बहुजन समाज की संपत्तियों को ये नीलाम कर रहा था। पर भी हो रही है, आप कह रहे हैं कि बस। मनीष सिसोदिया कौन है? मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के विरोधी खेमे का व्यक्ति है। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हुआ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने येदियुरप्पा पे कार्रवाई क्यों नहीं किया? आपने मेहुल चौकसी पे कार्रवाई क्यों नहीं किया? आपने नीरव मोदी पे कार्रवाई क्यों नहीं किया? आपने ऐसा पीएनबी घोटाला करने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? आप मुझे बताइए, ये भारत का जो आज जो जीडीपी है जहां पहुंचा दिए हैं, जरूर कहीं ना कहीं से खजाना की लूट हुई है, तभी तो इतना जीडीपी नीचे आया। उसके लिए आप ईडी के लोग नहीं बैठे हैं? इसके लिए सीबीआई नहीं है कि भारत के खजाना का पैसा कहां जा रहा है? इस पे नहीं लगाते जो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता, आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते ही पूरे भारत में खरबों की जमीन का खरीदारी किया और कार्यालय बनाया, उसके लिए ईडी और सीबीआई नहीं है? और आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? कौन से हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनने की ओर है? नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं। कौन कहता है भारत हिंदू राष्ट्र है? क्या किसने कहा है? आप मुझे बताइए, 18 पुराण और चार रामायण है, चार रामायण 18 पुराण, आपके पास गीता है, किसी में अगर एक शब्द कहीं हिंदू की चर्चा हो तो मुझे बता दीजिए। भारत एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या है हिंदू राष्ट्र? नहीं, क्यों हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? भारत का प्रियम्बल हिंदू नहीं है, भारत का जो प्रियम्बल है वो सेकुलरिज्म है। यहाँ भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, भिन्न भिन्न धर्म है, भिन्न भिन्न लोग हैं। आप मुझे बताओ कैसे हिंदू? भागवत जी कहते हैं जो हिंदुस्तान कौन है, कौन है मोहन, क्या है मोहन भागवत जी? मोहन भागवत जी को ये भी आपको खुलासा हो गया, जिस आरएसएस को मोहन भागवत जी चलाते हैं, जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है इस देश में। इस देश में नफरत की एक बहुत बड़ी, अगर कोई बहुत बड़ी कोई किताब है, नफरत की एक बहुत बड़ी अगर कोई मिसाल है, उसका नाम मोहन भागवत है। हम नोटिस नहीं लेते मोहन भागवत का? मोहन भागवत जी जो इस देश में कर रहे हैं, ये खासकर देश के मूल निवासी, जो इस देश का 110 करोड़ इस देश में जो रहता है उनका अपमान है, जो भारत का लोकतंत्र कहता है जिनकी जितना संख्या भारी उनको उतनी भागीदारी, कहाँ है भागीदारी? आपने भागीदारी ख़त्म कर दिया। आपके पास आपका चेहरा ओपन हो गया, अति पिछड़ा का चेहरा ओपन हो गया प्रधानमंत्री जी और आरएसएस के लोग, जो आपने कहा था कि बिल्कुल हम इस भारत में सबका राज, सबका सबका साथ और सबका विकास की बात करेंगे। वो पार्टी है जो ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, दलित और आदिवासी। तो मैं बता रहा हूँ, आपने तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 131 सांसद एससी एसटी और ओबीसी के लोग हैं, और एससी एसटी ओबीसी के लोग, आप मुझे बताइए पार्लियामेंट में क्या आपने देखा? जब 13% का रोस्टर बिल पास किया, आपने देखा कि किसी को किसी के ऊपर निगाह भी उठाकर उसके विरोध किया? आप मुझे बताइए, 10% के आरक्षण, 80% पदों पर कब्जा करने वाले लोगों को 10% आरक्षण मिलता है। आप मुझे बताइए, कॉलेजियम पर या अन्य जो भी जो जन विरोधी नीतियां हैं, एक भी अगर 131 सांसदों का में से अगर एक भी सांसद अगर खड़ा हो जाता तो मुझे लगता कि इन सांसदों में ईमान है। हम नहीं मानते नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा है या अति पिछड़ा है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के मुखौटा है, आरएसएस का मुखौटा है, सिर्फ मैं यही मानता हूँ। तो ये जो समस्याएं हो रही है सर, इसीलिए तो लोग हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में ये सब खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, देखिए एक बात मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहूँगा, ये जो सपना कल तक दिखाए थे 15 लाख रुपया सबके खाते में लाने का, ये भी उसके बाद में उन्होंने बताया कि हिंदू राम राज बना देंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी और इन लोगों ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास होगा,
और ये भी एक प्रॉमिस किया था, इनके मैनिफेस्टो में आया था कि 2 करोड़ प्रत्येक साल हम नौकरी देने का काम करेंगे। तो खासकर आप भी तो बेरोजगार हैं, आपको रोजगार मिल जाता तो थोड़े ये काम आप करते। पत्रकारिता का सहारा कौन लेता है? ठीक है, मैं मानता हूँ आपके अंदर जुनून है कि आज ऐसी परिस्थिति में भी सोशल मीडिया का सहारा लेकर के गरीबों को आज को उठा रहे हैं, लेकिन काश अगर ये सरकार आज 9 साल के अंदर अगर कहीं आपको नौकरी दे देती तो जरूर उस सरकार की कुर्सी पर बैठकर काम किए होते। लेकिन मैं बताऊं, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को अगर नौकरियां मिलती तो आज हम एक शब्द भी नहीं बोलते। 18 करोड़ के बदले, आपको पता है 18 करोड़ के बदले 50 करोड़ लोगों को नौकरियों से इन्होंने अडानी अंबानी को लाकर बाहर करने का काम किया। मोदी सरकार बोलती है कि बाथरूम बनवा दिए उन्होंने, लेटरिन बनवा दी, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो उसकी विषय में क्या है? तो वो रोजगार तो नहीं, बाथरूम बना दिए, हो सकता है एम्स भी बनाए होंगे, हो सकता है NH भी बनाए होंगे, हो सकता है MMT भी बनाए होंगे, हो सकता है यूनिवर्सिटी भी बनाए होंगे। हम तो पूछना चाहते हैं, बताइए, एक तो बताइए। उज्ज्वला गैस सर्विस नहीं, बताइए बताइए। उज्ज्वला गैस जो है एक छलावा है, एक दिखावा है। उज्ज्वला गैस, उज्ज्वला ग्लास कोई भारत में गरीबों के घरों में एक चिराग जलाने के लिए कोई क्रांति नहीं है, एक धोखा है। आप मुझे बताइए, यहाँ किसान 1,000 रुपया के चलते दम तोड़ दे रहा है, उसके बच्चों को इलाज नहीं हो रहा है। 1,100 रुपया में सिलेंडर कहाँ से भरा सकता है? जब देश कौन भरा रहा है, बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो आप लोग शूद्र शूद्र क्यों चिल्ला रहे हैं? तो हम तो कह रहे हैं शूद्र हम थोड़ी कहा है, ये मेरे बाप दादा ने मुझे शूद्र नहीं कहा, ये उन्हीं का किताब कहा, जिस किताब के लेकर के पूरे देश में चर्चा है। ये मैं कहाँ कहा? आपने शूद्र कहा है, आपने पिछड़ा कहा है, आपने यादव कहा है, आपने महार कहा है, आपने चमार कहा है, आपने लोहार कहा है, तो आपके बाप दादा की दी हुई विरासत को तो हम कह रहे हैं। लेकिन फिर भी बड़ी चिंता में, जाति आपने दिया, हम जब जनगणना कराने कह रहे हैं तो आपको पीड़ा क्यों हो रहा है? तो आप तो जातियों में तो क्यों, हम क्या बांट रहे हैं? हमने बनाया मनुस्मृति, मैंने लिखा, जातियां मैंने बनाया, जिसने बनाया मैं उनसे मैं कह रहा हूं कि तुमने बना दिया, अच्छी बात है, हमने स्वीकार कर लिया, कम से कम जातीय जनगणना तो करा दो, बता दो हम कितना है, कहाँ है, मुझे कहाँ रखे हो सबके साथ, और विकास का आप अपनी आपकी पोल तो खुल जाए कम से कम इस देश में कि सबका विकास क्या हुआ। नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, आप जातीय जनगणना कराओ, सरकार को हिम्मत है तो जातीय जनगणना कराए। बिहार में जो खासकर ईडी का जो आज मामला चला है, लालू जी को परेशान करने का, लालू जी को हत्या करने का ये प्रयास है, लालू जी को बर्बाद करने का ये प्रयास है, और बहुजन समाज के तमाम कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग के नेताओं को बदनाम करके उनको समाप्त करने की ये बड़ी साजिश है। लेकिन ये साजिश, ये गफलत में नहीं रहे प्रधानमंत्री जी, आप जितने लालू यादव, वो सोना है जिसे जितना गलाओगे उसमें चमक आने वाला है, वो पराजित होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, कौन भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मैंने बोला आपको, आप क्यों नहीं मेरी बात पर ध्यान दे रहे हैं? मैंने इतना नाम आपने बताया, आपको ये जब बताइए, येदुरप्पा का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, PNB का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा? मैं कह रहा इस देश के खजाने को लूटा, आज भी इस देश में योजना का 25% भी काम धरातल पर नहीं हो रहा है, ये भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता? सिर्फ लालू को ख़त्म कर दो ताकि भारत का चेहरा नहीं बन सके, भारत सामाजिक न्याय नहीं कर सके। हर जगह कमी ढूंढते हैं, एक चमत्कारी बाबा देश को मिला है, उस पर भी सवाल उठाते हैं। चमत मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बाबा का परीक्षा हो चुका है, और बाबा के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से, बाबा जो है, जो आपको आसाराम बापा है, बाबा है उनका भी हो गया है, राम रहीम बाबा है, और कई ऐसी बाबा का बारे में आपने बहुत कुछ बता चुका है, देश को बता दिए हैं, इसलिए मैं नोटिस नहीं लेता उसका नाम लेकर, मैं और पाखंड को बढ़ाना नहीं चाहता। तो आपके निशाने पे हिंदू धर्म ही क्यों है? नहीं, मेरे निशान पे हम हिंदू हैं नहीं, हम हिंदू कहाँ हैं? नहीं, राम ने कभी कहा हिंदू, कृष्ण ने कभी कहा हिंदू, ब्रह्मा ने कभी कहा विष्णु, शंकर ने कहा कभी हिंदू? हम इंसान हैं, इंसान का बेटा है, मैं क्यों बोलूँ हिंदू? हिंदू कौन जो कहता है मुझे बताए कि मैं हिंदू कैसे हूँ? ये हिंदुस्तान कैसे हो सकता है? ये भारत है, ये आर्यावर्त है, ये इंडिया है। आप हिंदुस्तान मत थोपो, आप हिंदू मत थोपो, ये भारत की प्रियम्बल नहीं कहता है, भारत का संविधान नहीं कहता है, और भारत उनके वेद से नहीं, भारत भारत का संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। BJP क्या सम्मान देगी? उनकी सम्मान की हमें ज़रूरत नहीं है, उनके सम्मान उन्हीं के बाप दादा जो BJP के चादर ओढ़ के घूम रहे हैं और धर्म के चादर ओढ़ के उठ रहे हैं। पूछिए उनसे, तालाब किसने रोका था पानी? जानवर कच्चा गमरा हुआ जानवर का मांस खाने को मजबूर किसने किया? शादियों में घोड़े पर से किसने उतारा? आप मुझे बताइए, पगड़ी किसने उतरवाया?
रेडियो और चश्मा किसने उतरवाया, स्कूल में पढ़ने से किसने रोका, कुआं से पानी पीने के लिए किसने रोका, स्कूल में पढ़ने से क्यों रोका, छुआछूत और अस्पृश्यता किसने किया, अगर मेरा बाप दादा किया है तो मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन जिसने किया है, मैं आज भी कहता हूँ, जिस दिन मेरा संविधान का देश बन जाएगा, जिस दिन संविधान की कुर्सी पर हमारे जैसा बैठा बैठेगा, उनके किताब बड़ी मोटी किताब बन गई है, एक पैक पन्ना निकालकर उनकी छठी के दूध याद करा दूंगा। बदमाशों पर बुलडोजर चल रहे हैं और आप लोग सवाल पे सवाल उठा रहे हैं। गुंडे गुंडा कौन है बताइए, बड़ी अफसोस की बात है, बड़े चालाक होते हैं इस दौर के कातिल, कत्ल करके पूछता है कफन किसका है। अरे गुंडा कौन है मुझे बताओ, जिन्हें दो रोटी की रोटियां नसीब नहीं होती है वो गुंडा है, जिन्हें दवाइयां नसीब नहीं है वो गुंडा है। गुंडा इस देश में निकालो, 1500 साल का इतिहास, गुलामी का भी इतिहास, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये जमींदारी में बैठकर हमें शोषण कर रहा था और बहुजन समाज की संपत्तियों को ये नीलाम कर रहा था। जो कुजुल्म कर रहा है वही आदमी आज करप्शन पर हमको परिभाषा बता रहा है, भ्रष्टाचार बता रहा है। अरे तुम्हारे जुल्म की किताब इतनी मोटी है तो आज भी मैं कहता हूँ कि सातों समुद्र की स्याही सूख जाएगा, तेरी जुल्म की कहानी खत्म नहीं होने वाली है।